अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं। तो प्रिज्म पढ़ रहे थे। ओके गुड। प्रिज्म के अंदर डिस्पर्शन समझा दिया था मैंने आपको। डिस्पर्शन समझाया था ना या नहीं समझाया था? यस सर समझे। वे गुड गुड गुड। चलो ये प्रिज्म के अंदर ये ए ये एंगल ऑफ प्रिज्म था बेटा। यस सर। सॉरी क्या हो गया इसको? ठीक ओके। ये नॉर्मल है आपका, ये एनवल, ये N2। ठीक एंगल्स मैं बताता हूं आपको। ये एंगल आई है और ये एंगल ई है। ये एंगल मैं बोल लेता हूं R1। ठीक है बेटा। ये एंगल मैं बोल लेता हूं R2। ठीक यस सर। हाँ ये लाइट आ रही है कुछ यूं मान लेते हैं, ये पी है, ये पॉइंट आपका क्यू है, ये पॉइंट आपका आर है और ये पॉइंट आपका एस है। पी क्यू इज द इंसिडेंट रे, क्यू आर इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड आर एस इज द इमर्जेंट रे। ठीक है यस। अब क्या है कि इंसिडेंट रेज इंसिडेंट रे को पीछे प्रोड्यूस करेंगे और रिफ्रैक्टेड रे को भी पीछे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक तो ये एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कहते हैं ना बेटा। यस सर। ओके इस पॉइंट को मैं एम कह लेता हूं और इस पॉइंट को मैं एन कह लेता हूं। ठीक है चलो। यस सर। ओके हमें क्या प्रूफ करना था? हमें प्रूफ करना था डेविएशन डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। ये प्रूफ करना था ना? यस सर। हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान है प्रूफ करना। देखो अगर आप ध्यान से देखो ए क्यू एन आर देखो प्रूफ। इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा? ए क्यू एन आर आपको दिख रहा है किधर है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा मेरे ख्याल से। देखिए ये ए क्यू, ये एन, ये आर, इसके बाद फिर ये दिख गया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो इन दोनों एंगल्स एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर का सम 180 होगा।
या नहीं? यस होगा, होगा ना? होगा सर। होगा सर, बहुत बढ़िया मैम। चलो तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखा सही लिखा, अब इसको आगे देखते हैं। ओके, अब ट्रायंगल क्यू एन आर, ट्रायंगल में इन ट्रायंगल क्यू एन आर, क्यू एन आर ट्रायंगल के अंदर आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल क्यू एन आर, ये भी होगा 180 डिग्री? बोल बेटा, होगा नहीं होगा? यस सर, होगा। होगा ना? एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यस, हाँ, वेरी गुड। तो इक्वेशन वन इक्वेशन टू को अगर गौर से आप देखो तो दोनों का RHS इक्वल है, तो LHS इक्वल हो जाएगा। तो A प्लस क्यू एन आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस क्यू एन आर, क्यू एन आर ने क्यू एन आर को मार डाला, कैंसल। तो A इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू बन गया। ओके ओके, देख बेटा ये फर्स्ट रे का डेविएशन है, इंसिडेंट रे का डेविएशन ये है। इंसिडेंट रे जो सीधी जा रही थी उसको सीधी चले जाने चाहिए था, लेकिन वो कुछ यूं बेंड हो गई, तो ये इंसिडेंट रे का डेविएशन हो गया, डेल्टा वन कह लेते हैं इसको। बोल बेटा, बोलते रहिए। यस सर। हाँ, रिफ्रैक्टेड रे को ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्टेड रे जो है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे जो है वो आपकी इधर, ये इधर की तरफ है इमर्जेंट रे, ठीक है इमर्जेंट रे। इसको जब मैंने पीछे प्रोड्यूस किया आपकी रे कुछ यूं आ रही थी, रिफ्रैक्टेड रे कुछ यूं आ रही थी, इतना एंगल बेंड कर गया ना, रिफ्रैक्टेड रे सीधी निकल जाती ना, रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना बेटा आपकी, बोलना, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना ये वाली, ये अगर ये सरफेस नहीं होता तो रिफ्रैक्टेड रे सीधी निकल जाती, ऐसे सीधी निकल जाती आगे की तरफ, लेकिन सरफेस था तो ये इतना बेंड हो गई, तो ये एंगल बेंड हो गई ना, ये वाली एंगल। ठीक है ठीक है, तो ये होगा आपका डेल्टा टू, और ये डेल्टा टू होगा तो ये भी डेल्टा टू होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो इस एंगल को मैं डेल्टा टू कह लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, बोलना। नहीं समझ आया? रिफ्रैक्टेड रे यू आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा था, अगर ये सरफेस नहीं होता तो रिफ्रैक्टेड रे सीधा निकल जाता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकल जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सरफेस है तो ये रिफ्रैक्टेड रे बेंट होके इमर्जेंट रे बन गया। ये जितना एंगल बेंड हुआ ये तो यही तो डेविएशन होता है, तो इसको डेल्टा टू कह लेता हूं मैं, और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, है ना? Yes. अब ट्रायंगल MQR में देखो, MQR में डेल्टा वन और डेल्टा टू का सम डेल्टा इक्वल टू होगा नहीं होगा, बोलो। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यस। हाँ, वेरी वेरी गुड। एक बात और देखो, R1 को मैं I माइनस डेल्टा वन कह सकता हूं, ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा Q है, ठीक है, ये लाइट यू बेल्ट हो गई, यू चली गई, ठीक, ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइट यू बेंड हो गई, ठीक है, ऐसे क्यू आर, ठीक, ये नॉर्मल है तुम्हारा, ठीक है, ये एंगल अगर आई है पूरा तो ये पूरा एंगल आई नहीं होगा, बोलो, होगा ना, ये पूरा एंगल आई होगा नहीं होगा, तो अगर ये डेल्टा वन है और ये एंगल आर वन है, तो यहाँ से आर वन इज इक्वल टू आई माइनस डेल्टा वन कह सकता हूँ, ऐसे ही आर टू इक्वल टू ई माइनस डेल्टा टू कह सकता हूँ, बोलो, R2, ये R2 इक्वल टू पूरा E माइनस डेल्टा 2, दिख रहा है?
यस यस सर. अब आर वन इक्वल टू आई माइनस डेल्टा वन एंड आर टू इज इक्वल टू ई माइनस डेल्टा टू. ठीक है. नाउ एंगल ए इज इक्वल टू हमारा आया था आर वन प्लस आर टू. ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू यानी कि आई माइनस डेल्टा वन और प्लस ई माइनस डेल्टा टू. इट मीन्स आई प्लस ई माइनस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू. ठीक है. अब डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू के जगह पे डेल्टा नहीं ले सकता हूं मैं. Yes, सकता हूँ ना. डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल्स ये कह सकता हूं मैं. यस सर. तो मतलब ए प्लस तो मतलब ये हो गया डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई. देखो ये प्रूफ करना था ना बेटा. यस ये प्रूफ करना था. हो गया प्रूफ. यस सर. प्रूफ एंग मो हो गया. बोलो. यस सर. डन सर. डन 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 डन. ओके ग्राफ देख लो. अभी ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड आई. ये डेल्टा है ये एंगल आई है. ठीक है. Yes. जो डेल्टा और आई का रिलेशन है वो ग्राफ तुम्हारा कुछ यूं आता है ऐसे. कुछ ऐसा ग्राफ आता है और जिस पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उस पॉइंट पे कहते हैं डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आती है. और ये डेल्टा मिनिमम कब आएगा. डेल्टा मिनिमम कब आएगा जब I इज इक्वल टू E होगा. जब इंसिडेंट रे और इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा डेविएशन मिनिमम हो जाएगा. डेविएशन क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा. कैसे समझोगे बेटा. देखो डेल्टा प्लस A इक्वल टू I प्लस E. तो I और E की वैल्यू अगर इक्वल हो जाएगा तो डेल्टा प्लस A इक्वल टू टू I है ना. तो ये आई और ई की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगा. ठीक है. ये होगा ग्राफ वर्सेस डेल्टा वर्सेस आई. डेल्टा वर्सेस आई. ठीक है. ओके अब बात करते हैं मिनिमम डेविएशन. सर इंसिडेंट रे और कौन इक्वल था सर. इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस. जब आई इज इक्वल टू ई होगा आई इमर्जेंट रे एंगल ऑफ इमर्जेंस. जब आई इज इक्वल टू ई होगा तो डेल्टा विल बी मिनिमम. डेल्टा विल बी मिनिमम. मिनिमम. अब एक क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के निकालने को. प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए. देखो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का जो फॉर्मूला आता है वो आता है. देखो मान लो रिफ्रैक्टिव प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं एन टू कह लेता हूँ. बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं एन वन कह लेता हूँ. ठीक है. इंसिडेंट रे भी एन वन में है. इमर्जेंट रे भी एन वन में है. ये आपका प्रिज्म है. ये आपका प्रिज्म है. लाइट यूं गई यहाँ के बाद ये रिफ्रैक्ट हो गई और यहाँ के बाद फिर ये इमर्ज आउट हो गई. ठीक है. ये एन वन मीडियम में था
और ये n2 मीडियम में है और ये n1 मीडियम में है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म n21 इज इक्वल टू होता है n2 अपॉन n1 एंड दैट इज इक्वल टू साइन a प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन a अपॉन 2। बोलोगे सर ये कैसे हो गया, तो इसका प्रूफ मैं दिखाता हूं, इसका भी प्रूफ मैं दिखा देता हूं। ये दो तीन नंबर का सवाल पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, तीन नंबर का सवाल पूछा हुआ, 2018 में भी पूछा, 19 में भी पूछा, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। yes. ठीक है, मैं प्रूफ कर देता हूं इसका। देखो एक बात समझो बेटा, मैंने बोला कि मिनिमम डेविएशन के लिए, फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ इमरजेंस की इक्वल होना पड़ेगा, है ना बेटा? Yes. और जब मिनिमम डेविएशन होगा तो डेल्टा की जगह पे क्या लिखेंगे, डेल्टा मिनिमम, है ना? हाँ, हमें पता है कि दैट डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू होता है आई प्लस ई, ये फॉर्मूला तो हमको याद है ना बेटा? तो डेल्टा की जगह पे क्या लिखेंगे, डेल्टा मिनिमम लिखेंगे और ए तो ए रहेगा और आई के जगह पे आई और ई के जगह पे भी आई, तो ये हो जाएगा टू आई, है ना? तो यहां से आई इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय टू, होगा बच्चे? यस सर। वेरी गुड, आपका ये प्रिज्म था। अगर आपको फिगर याद नहीं है तो मैं फिगर दोबारा से बना देता हूं। ये इंसिडेंट लाइट लाइट रे था, ये पी पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट था, यहाँ से ये रिफ्रैक्टेड रे था और यहाँ से ये इमर्जेंट रे था, ये आर पॉइंट था और ये इमर्जेंट रे, ये एस पॉइंट था यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारा था एंगल ए। इस रे को जब मैंने पीछे प्रोड्यूस किया था तो ये दोनों रेज आपस में मिले थे और ये एंगल एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है, ये तुम्हारा डेल्टा वन था, ये तुम्हारा डेल्टा टू है और यहां से जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल तुम्हारा आर वन था, ये एंगल तुम्हारा आर टू था। एग्जैक्टली ये फिगर था ना? यस सर। गुड, ये एंगल आपका आई था, ये एंगल आपका ई था। ठीक है, ओके। अब देखो क्यू पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ये एन टू है और ये एन वन है और ये भी एन वन है। ठीक है, क्या होगा, एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन आर टू होगा। यस, एट आर पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहां पे होगा एन टू साइन आर टू इज इक्वल टू एन वन साइन ई। क्या बेटा? सर आर टू आर वन नहीं हो सकता सर, ये फर्स्ट वाला। हाँ ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड, यहाँ पे ना आर वन ही होगा, नहीं हो सकता, आर वन ही होगा ना, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर वन है ना, आर वन। यहाँ पे देखो आर टू होगा, एन टू साइन आर टू इक्वल टू एन वन साइन ई। ठीक है, इक्वेशन नंबर दो, इक्वेशन नंबर तीन। ठीक, यस सर, ओके। हमें पता है कि साइन आई आई बराबर ई है, हमें पता है कि आई इज इक्वल टू ई है, तो डेफिनेटली साइन आई और साइन ई आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब है कि एन वन साइन आई और एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू, सॉरी एन वन साइन आई इक्वल टू एन वन साइन ई, दोनों इक्वल होंगे आपस में।
यानी कि इक्वेशन टू में जो एन वन साइन आई लिखा मैंने, इक्वेशन थ्री में जो मैंने एन वन साइन ई लिखा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, yes, sir. है ना? तो अब इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को कंपेयर करोगे तो दोनों का एक साइड इक्वल है, तो बाकी जो दोनों साइड बचेंगे वो इक्वल हो जाएंगे आपस में यूजिंग इक्वेशन टू इन इक्वेशन थ्री और एक इक्वेशन फोर मान लो। चलो यहाँ पे इक्वेशन, इनको इक्वेशन फोर मान लो यूजिंग इक्वेशन नंबर टू थ्री एंड फोर। क्या लिखेंगे हम बेटा? हम लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या था, एन टू साइन आर वन एन टू साइन आर टू, तो एन टू साइन आर वन इक्वल टू एन टू साइन आर टू। क्या एन टू ने एन टू को मार डाला, तो साइन आर वन इक्वल टू साइन आर टू यानी कि आर वन इज इक्वल टू आर टू। मिल गया काम की बात, मिल गया? यस सर। हाँ, हमें पता था कि a वाज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, है ना? तो अब a इज इक्वल टू टू आर वन या टू आर टू कह सकते हैं? कह सकते हैं ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस यस। हाँ, तो अब हम कह सकते हैं आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू ए अपॉन टू, कह सकते हैं? Yes, बोलो। हाँ, गुड। इक्वेशन टू को अगर आप, इक्वेशन टू को अगर आप गौर से देखिएगा तो इक्वेशन टू में जो है वो क्या है कि वहां पे है एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर वन, ये लिखा है ना। तो एन वन साइन आई की जगह पे आई का इक्वेशन क्या आया था, देखो फर्स्ट इक्वेशन आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन टू, तो ये होगा a प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन टू इज इक्वल टू एन टू साइन आर वन, क्या है a अपॉन टू, है ना? तो अब यहां से मैं लिख सकता हूँ एन टू अपॉन एन वन इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन टू डिवाइडेड बाय साइन a अपॉन टू। ये प्रूफ करना था क्या बच्चे? यही हमें प्रूफ करना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। refractive index of prism equal to n2 upon n1 is equal to sin a plus delta minimum upon 2 upon sin a upon 2, hai na? Bolo. Yes, sir. Dikkat? Very good. No, sir. Chalo, aage aate hain. कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कभी देखा अपना माइक्रोस्कोप? यस सर। बायोलैब में देखा होगा ना? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जब आप लेंस को देखते हो तो जिस साइड से लेंस को आप देखते हो उधर एक लेंस लगा, सॉरी, जब साइज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जहां से आप देखते हो ऊपर से तो वहां एक लेंस दिखता है और एक लेंस नीचे होता है जो जो ऑब्जेक्ट के पास होता है ना? यस सर। हाँ, एक बात। दूसरी बात कि अगर आपने माइक्रोस्कोप देखा है तो आपको याद होगा कि जो एंड ऑब्जेक्ट के साइड है वो पतला होता है, यानी कि वो नैरो होता है, और जो एंड जिस एंड से आप देखते हो अपने आंखों के पास लगाते हो वो एंड ब्रॉडर होता है, होता नहीं होता?
सर्कुलर साइज। हाँ अरे मतलब कि ओ साइज मोटा वाला। होता है, डायमीटर उसका ज्यादा होता है, साइज में बड़ा होता है वो। ओ यस। तो एक बात तो क्लियर है कि दो लेंसेज यूज करने हैं, है ना, यस सर। जो ऑब्जेक्ट के साइड में जो माइक्रोस्कोप का पार्ट होता है वो थिनर होता है, नैरोवर होता है, पतला होता है, वो ट्यूब पतला होता है। और जो आपकी आंखों के पास का जो एंड है वो ब्रॉडर होता है, वो मोटा होता है, किसमें, डायमीटर में, है ना। ये आपका आई पीस बन गया, आई पीस एंड के जहां से आप देख रहे हो, आई का एंड, आई वाला एंड, और ये ऑब्जेक्ट वाला एंड जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो दो लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ऑब्जेक्टिव के पास ऑब्जेक्ट को रखेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज अगर पैरेलल है तो ये लाइट रे कन्वर्ज करेगी फोकस पे, लाइक दिस, ये इसका फोकस हो गया ऑब्जेक्टिव का। अगर लाइट रे, अच्छा एक रे से तो इमेज बनेगी नहीं, दो रेस कम से कम चाहिए, तो दूसरी रे में ऑप्टिकल सेंटर से ले लेता हूं। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो अनडेविएटेड चली जाएगी, ठीक है, और ये यहाँ पे आपकी इमेज बन गई। दोनों रे जहां जाके मिलेंगी वहां पे इमेज बन जाएगी, इमेज बन गई, ये आपकी इमेज बन गई, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन गई। ये ए था और ये बी था। अब ध्यान से देख के बताओ कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव से, वो आई पीस के लिए क्या हो गया, फिर से ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये जो ए डैश है ये जो इमेज है ऑब्जेक्टिव का, वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करे, और ये रेस कुछ यूं कन्वर्ज कर जाएंगी लाइक दिस। ठीक है, अब देखो ध्यान से दिख रहा है कि हमको जो आई पीस पे रेज जा रही है ये रेज डाइवर्जेंट है। कैसी रेज है ये डाइवर्जेंट रेज, डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, डाइवर्जेंट रेज कभी मीट नहीं करती। तो क्या करते हैं, इनको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। और जब पीछे की तरफ हम प्रोड्यूस करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इमेज कहीं कहीं यहां पे इमेज बनेगी। देखो यहां पे जाके कहीं इमेज बन जाएगी, बड़ी सी मैग्निफाइड इमेज यहां पे बन जाएगी। ये इमेज बन गई। तो इसमें आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज फॉर्मेशन को, तो ऐसी इमेज बनेगी, ठीक है। दिस इज द फोकल लेंथ
Yes. This is the focal length of objective. Focal length. F naught. And focal length of objective and focal length of eyepiece FE. और हमें यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि आईपीस और ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के बीच में एक गैप दिख रहा है. इस गैप को, इस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं एल. ठीक है, इसको ट्यूब लेंथ के नाम से जानते हैं. देखो जो एफ ओ है ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव जो एफ ई है ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और जो एल है इसको हम लोग कहते हैं ट्यूब लेंथ. बीच में ट्यूब लगी होती है ना. ठीक है, बोल बेटा. यस सर. इसको इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं. और ये आपकी पूरी इमेज डिस्टेंस है. कौन सा सर? एक मिनट, इमेज डिस्टेंस है. जिसको डी से डिनोट करते हैं. डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. यहाँ पे जो डी है जो इमेज हम बनाते हैं वो लीस्ट डिस्टेंस पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज 25 सेंटीमीटर. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट least distance of distinct vision. ठीक है जी. सर फिर इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है. तो इमेज क्या आपको लेंस के ऊपर दिखता है क्या? आप यहां से जब देखते हो माइक्रोस्कोप के अंदर इसे देखते हो ना, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे कुछ भी, तो आपको इमेज यहां दिखती है क्या ऊपर? आप तो यहां से देखते हो ना. यस है. यस इमेज तो इधर दिखती है ना इमेज आपको. यस है. हाँ ऊपर तो नहीं दिखती ना कभी. ठीक है. ठीक, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन पे क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं क्योंकि जरा सा भी कोई ना, क्या कहते हैं ना उसको, कि जो इमेज की इंक्लिनेशन वो चेंज ना हो. आपको पता ना कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आई से दूर जाएगा, जैसे आपके आंखों से जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी इमेज हाइट छोटी होने लगती है. कभी गौर किया होगा आपने कि जैसे एक रोड पे कोई गाड़ी चल रही है, आपके बगल से गाड़ी गुजरी है, आप उसको देखते हो वो एकदम एक्चुअल साइज की दिखती है. जैसे जैसे वो आपसे दूर चली जाती है गाड़ी, वो आपको धीमे धीमे छोटी दिखने लगती है, और बहुत दूर जाने के बाद वो रोड पे दिखनी बंद हो जाती है. हालांकि रोड एकदम स्ट्रेट है, गाड़ी अभी भी उस रोड पर है, बट आपको नहीं दिख रही है.
क्यों? तो जो इमेज का इंक्लिनेशन है आपके आई पे वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन इमेज वहीं पे फॉर्म हो जाए, उससे दूर जाएगा तो थोड़ा सा इमेज की हाइट कम हो जाएगी। और माइक्रोस्कोप हम यूज कर रहे हैं मैग्निफाई करने के लिए, जब हमने इमेज को मैक्सिमम मैग्निफाई कर लिया है और अगर लिस्ट डिस्टेंस से थोड़ा दूर देखेंगे तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन तो कम हो जाएगा, थोड़ी हाइट छोटी हो जाएगी, वो हम चाहते नहीं है। इसलिए 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं, उसके पहले नहीं देख सकते, तो 25 पे ही हम बनाना चाहते हैं। बात समझ गई आप मेरी? यस सर। वेरी वेरी गुड। फिर सर ट्यूब लेंथ कितना होगा सर उस वक्त? ट्यूब लेंथ वो निकालेंगे ट्यूब लेंथ। देखो ना, देखो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे। मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अच्छा अगर इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूं तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एच ओ, तो ये भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा एच ओ, इक्वली होगा ना ये तो, है ना? H-O, yes. और ये हाइट ऑफ इमेज होगा एच आई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं टेन थीटा निकालता हूं तो क्या होगा? पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या होगा? एच ओ अपॉन बेस क्या है? एफ ओ होगा, नहीं होगा? ये एच ओ अपॉन बेस क्या, यहां से ये बेस एफ ओ, ठीक। yes. अगर मैं फिर से टेन थीटा निकालूंगा दूसरे ट्रायंगल में, तो अब क्या होगा? पी अपॉन बी एच आई अपॉन एल होगा इस बार, है नहीं है? yes. Yes, तो यहां से अगर तुम एच ओ निकालोगे बेटा, एच ओ, तो एच ओ इक्वल टू क्या होगा? एफ ओ इंटू टेन थीटा। और यहां से एच आई निकालोगे तो एच आई होगा एल इंटू टेन थीटा, है ना? yes, sir. है नहीं है? हाँ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो हाइट ऑफ इमेज एच आई आया था एल टैन थीटा और एच ओ आया था एफ ओ टैन थीटा, दोनों कैंसिल, तो ये क्या आया? एल अपॉन एफ ओ। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव वाई, ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। इसी तरीके से मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस निकालोगे तो वी अपॉन एफ ई आएगा। ये एंगल आप यहां से ले लोगे, ये ट्रायंगल आप यहां से, ये ट्रायंगल ले लोगे, ये एच आई के इक्वल होगा, फिर ये ट्रायंगल ले लोगे, इसके लिए एच आई जो होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और इसके लिए एच आई जो होगा, ये जो एच ए डैश बी डैश है ये इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो इसी सेम फॉर्मूले को यूज करोगे तो एम ई इक्वल टू आएगा डी अपॉन एफ ई, ये आई पीस का मैग्निफिकेशन, ये आई पीस का मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब इन दोनों मैग्निफिकेशन का जो नेट मैग्निफिकेशन निकालोगे आप, नेट मैग्निफिकेशन वो एम नेट इज इक्वल टू होगा एम ई इंटू, हाँ बोलिए बोलिए। स्क्रीन पॉज हो गया सर, स्क्रीन सर, स्क्रीन पॉज हो गया सर, नेट आपका स्लो होगा बेटा, फिर नेट ठीक है सर, नेट आपका स्लो होगा, फिर अभी आया सर नेट ठीक है सर मेरा, ठीक है अभी आ गया ना, हालांकि मैं तो लिख रहा था नेट आपका स्लो हो, जब भी ऐसा हुआ। एनीवेज, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द नेट मैग्निफिकेशन। ठीक है? यस सर। ये रहा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
उसके बाद नेक्स्ट क्लास में टेलीस्कोप पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? यस ओके। शायद शायद सर मंडे को क्लास स्कूल ओपन होने वाला।